हेलो दोस्तों, मैं अनुराग कमांडो अपनी वीडियो में आप लोगों का बहुत ही स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अच्छी डाइट कौन सी होती है और हमें किस प्रकार का पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी मेरे दोस्त कि कौन सा पौष्टिक आहार लेना चाहिए, कैसी देसी डाइट होनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी जल्दी से जल्दी बन जाए। दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, यहीं से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देसी डाइट पर। देसी डाइट होती क्या है दोस्तों? देसी डाइट होती है दोस्तों दाल, हरी सब्जियां, रोटी, अंडा, दूध। अगर आप मांस मछली खाते हो तो वो भी आ जाती है इसमें, ठीक है दोस्तों। और आपको किस प्रकार से खाना चाहिए देसी डाइट दोस्तों, जिससे आपकी जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी बन जाए दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको पूरी बात। दोस्तों, हमें सुबह में जब हम रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइजें करते हैं दोस्तों, उसके तुरंत बाद हमें दूध, चने या केले मिलने चाहिए दोस्तों। चने या केले आप लोग खा सकते हो दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, हमें पूरी भोजन करना चाहिए रोटी का दोस्तों, कम से कम 6-7-8 रोटी आपको खानी चाहिए दोस्तों। और रोटी के साथ हरी साग सब्जी, और हफ्ते में 2 बार दाल, मूंग की दाल या अरहर की, या दोस्तों मतलब मिक्स करके आप खा सकते हो। दोस्तों, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि दाल खाना बहुत ज़रूरी है। मूंग की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है दोस्तों। हफ्ते में 1 या 2 बार दाल को, 1 कटोरी या 2 कटोरी ज़रूरी है दोस्तों आप लोगों को खाना चाहिए दाल। अगर आप लोग खाते हैं दाल तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ फिर आप दूध भी पी सकते हैं, प्रोटीन के लिए अंडे भी खा सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों पौष्टिक आहार है, देसी डाइट है दोस्तों। और आपको पाउडर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि आप सोचो कि मैं पाउडर पी लूँ या वो खा लूँ या ये खा लूँ दोस्तों, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपको करने की क्या ज़रूरत है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मेरे भाई। आप लोगों को मेहनत करनी है, रनिंग करनी है, वर्कआउट करना है, एक्सरसाइजें करनी है मेरे दोस्त। और उसके बाद अच्छे से आपको पौष्टिक आहार लेना है। पौष्टिक आहार आप अंडे खाओ दोस्तों, 1 दिन में 1 अंडा या 2 दिन में 1 अंडा दोस्तों, या 3रे दिन दोस्तों, ठीक है। और रोटी खाओ दोस्तों। और एक बात और बताऊंगा मैं आप लोगों को कि चावल खाएं या ना खाएं, कैसे खाएं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये अंडे और दूध तो ज़रूर पीना चाहिए दोस्तों। दूध बहुत ज़रूरी है दोस्तों हमारे शरीर के लिए। दूध चाहे गाय का मिले या भैंस का दोस्तों, दूध बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हो तो 1 दिन में 0.5 लीटर दूध आपको मिलना ही चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, आपको रोटी भी खानी है। रोटी आप 1 दिन में दोस्तों सुबह शाम यानी दोपहर तीनों टाइम में रोटी खानी है दोस्तों। और रोटी कम से कम 15 रोटी आपको 1 दिन में खा लेनी है मेरे दोस्त, 15-16 जितनी खा सकते हो। और दोस्तों, जितनी मेहनत करोगे, जितना पसीना बहाओगे, जितनी एनर्जी खर्च करोगे मेरे दोस्त, उतनी ही आपको भूख लगेगी, ठीक है दोस्त। तो आपको रनिंग करनी है, रनिंग करके वर्कआउट करना है, वर्कआउट करके आपको जिम या दुनियादारी जो कुछ भी करना है वो करो दोस्तों, वो एक अलग चीज़ है। मगर यहाँ पर बात हो रही है डाइट की दोस्तों, तो आपको डाइट अच्छी लेनी होगी और रेगुलर रहनी होगी। ये नहीं कि हमने आज खाई दाल, कल खाया, गए बाज़ार को, बाज़ार में खा लिया समोसा, खा लिया ब्रेड, खा लिया पेट भर लिया, शाम को आ गए ऐसे लेट कर, तो ये दोस्तों गलत है। अगर ये करेंगे भाई तो ये नहीं कर पाएंगे भाई, आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। करना क्या है मेरे दोस्त, करना ये है कि आपको रेगुलर काम करना है और रेगुलर पौष्टिक आहार लेना है, अपनी बॉडी को प्रोटीन देनी है, अपनी मांसपेशियों को, तभी आपकी मांसपेशियां बढ़ेंगी, तभी आपकी बॉडी बनेगी मेरे दोस्त। तो आपको अच्छी डाइट लेनी है। और दोस्तों, चावल की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। चावल आपको शाम को नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है मेरे दोस्त। अगर आप चावल खाना चाहते हो या आप चावल के शौकीन हो दोस्तों, तो आप दिन में ले सकते हो रोटी खाने के बाद।
तो ये नहीं हमने पहले चावल ही भर लिए पेट में, तो ये नहीं दोस्त चलेगा। चलेगा ये कि आपने पहले रोटी खानी है, 7, 6, 7, 4, 5 जो कुछ रोटी आप खाओ, उसके बाद आपको चावल नहीं, पहले रोटी से पेट भरना, उसके बाद मर मारने के लिए कि आपको चावल लेने मेरे दोस्त, और शाम को चावल बिल्कुल नहीं लेने मेरे अगर आपको बॉडी बनानी है तो। और दोस्तों एक बात और, हफ्ते में 1 या 2 बार दाल आपको डेली लेनी है मेरे दोस्त, ज़रूर लेनी है मेरे दोस्त, 1-2 बार हफ्ते में दाल दोस्तों रेगुलर लेनी है। ये नहीं हमने 1 हफ्ते खाई 2 बार उसके अगले हफ्ते में छोड़ दी, तो ये चीज़ नहीं करनी होगी भाई। अगर आप ये करेंगे तो दोस्त आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। और अच्छी डाइट के साथ साथ आपको अच्छी नींद भी लेनी होगी। अच्छी नींद लेने का दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, शाम को दोस्तों जल्दी से सोना है 9 या 10 बजे तक, और आपको 7-8 घंटे की मेरे भाई नींद लेनी ही लेनी है। ओके दोस्त, और समय पर खाना खाना होगा मेरे भाई, एक बार और ध्यान रखना मेरे दोस्त। ये नहीं करना है आप लोगों को कि आप अभी भूख लगी है और 20 मिनट बाद भोजन कर रहे हैं, या आधे घंटे बाद खा रहे हैं, या 1 घंटे बाद खा रहे हैं। दोस्तों जब आपको भूख लगे तब आप भोजन करो, तब खाना खाओ। अगर आप ये करते हो तो आपको भूख भी बढ़ेगी दोस्तों, सब समय पर भोजन मिलेगा तो पूरी एनर्जी मिलेगी, पूरा खाना अच्छे से पाचन क्रिया अच्छी होगी दोस्तों, ठीक है। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे भाई, आप लोगों को बॉडी बनानी है तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।